मथुरा में खुफिया विभाग की टीम ने 16 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। खुफिया एजेंसियों ने कोसी कला में ईदगाह के पास एक कॉलोनी से 5 महिलाओं 4 बच्चों समेत 16 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि ये सभी लोग कूड़ा प्लास्टिक बीनने का काम करते थे। गिरफ्तार लोगों के पास से 7 मोबाइल 8 आधार कार्ड एक ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद हुआ है। 16 बांग्लादेशी नागरिक और एक शरणदाता गिरफ्तार हुआ है, इनके साथ में 4 बच्चे भी हैं। ये कोसी में काफ़ी समय से रह रहे थे, लेकिन जो इलियास जिसके यहाँ अभी ये बरामद हुई उसका कहना है कि हमारे यहाँ 1.5-2 महीना से ही आए हैं, लेकिन पूछताछ में आया है कि लगभग 4-5 साल से नए भाई ये कोसी में ही रह रहे थे और कूड़ा बीन कर अपना काम चलाते थे और उसी से जीविका चलाते थे। साथ में ये जब वहाँ से पार हुए हैं तो इन्होंने बताया कि कुछ हम लोग कुछ पैसा देकर पार वहाँ से हुए हैं। कुछ स्थान का नाम अपनी भाषा में बता रहे हैं जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको भी आप लोगों सामने भी उन्होंने बताया है। इस प्रकार इनकी गिरफ्तारी से हमारे क्षेत्र में जो बांग्लादेशियों का अवैध प्रवासन था वो अब न के बराबर उस क्षेत्र में रह गया है। फिलहाल गिरफ्तार बांग्लादेशियों से पूछताछ की जा रही है और इलाके में रह रहे बाकी बांग्लादेशियों की तलाश भी की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सरस्वत की रिपोर्ट।